इसके साथ साथ व्यापार करते हो सुख की वृद्धि के लिए, धर्म ध्यान करते हो किसके लिए, किसके लिए? तो वास्तविकता में हर जीव का पुरुषार्थ उसके सुख के लिए ही है। एक सुख संसार वाला, एक सुख सिद्धों वाला। जो सिद्धों वाला सुख है वो सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, बाकी तो सुखाभास है। फिर भी संसार में है तो कुछ तो मिलेगा। पंखे के गर्मी का मौसम है, 50-55 डिग्री टेम्परेचर है, एक छांव भी मिल जाए पेड़ की तो राहत मिलती है। यद्यपि वो शीतलता नहीं है फिर भी राहत तो मिलती है, मिलती कि नहीं? वैसे ही जो संसार में अपन ने जन्म लिया है, कम से कम यहाँ सुख से समय निकल जाए, वो वाला सुख भिन्न है, सिद्धों वाला सुख भिन्न है। और जो सिद्धों वाला सुख है वो सर्वश्रेष्ठ सुख है। जो सिद्धों वाला सुख है वो सर्वश्रेष्ठ सुख है। ऐसे सिद्ध अवस्था किसी को नहीं मिलती पारस। भगवान के कल्याण चल रहे ना, दिख के आना। तीर्थंकर भगवान को भी गर्भ में रहना पड़ता है। अनंत सुख की जिनको प्राप्ति होने वाली है उनको भी 9 मास गर्भ में रखना पड़ता है। देखा कल एक कांच की पेटी मंगवाई, उसमें भगवान को कपड़े से ढका, क्यों ढका? ये गर्भ है, गर्भ में भगवान को ढका है, बताने के लिए कि देखो भगवान गर्भ में आए हैं। लेकिन उनको भी गर्भ में अंदर अंधेरे में रहना तो पड़ा है। अनंत सुख की प्राप्ति करना है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन वो अनंत सुख जब मिलेगा तब मिलेगा। आज संसार में रह करके कम से कम सुख से तो व्यतीत कर ले समय, उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर सुख चाहिए है तो 5 उपाय नीतिकारों ने बताए हैं, क्रम क्रम से उनको समझना और समझ के संभलना। देखो एक चीज होती है सुनना, एक होती है समझना, और एक होती है उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाना। तीनों में बहुत अंतर है, तीनों में बहुत अंतर है विमल जी। एक होता है सुनना, सुन लिया, सुन लेने से क्या अनुभूति हो जाती? क्या नहीं होगी। कहने से भी जरूरी नहीं कि अनुभूति हो जाए। दोनों हाथों को ऐसा रख करके बैठ जाओ और बोलो मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं निरंजन हूँ। ये शब्दों का आनंद है, आत्मा का आनंद नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, हूँ परमात्मा छूँ, ये सब शब्दों का आनंद है। वास्तविकता वाला आनंद तो वो कहे अवक्तव्य है। सुखी रहने के 5 उपाय हैं। अगर आपने इन 5 उपायों को जीवन में उतार लिया, सुखी होना प्रारंभ हो जाओगे। और हो सकता है कि आपके निमित्त से कोई और भी सुखी हो जाए। सबसे पहला उपाय, अपने काम से काम रखना, ये सुखी रहने का सबसे पहला उपाय। अब प्रमित सागर जी, अब यहाँ पर मंदिर में अपन आए, देखो धर्मशाला में काम लगा है, लाल पत्थर लग रहा है, किसकी यहां से लगवाया है, कितने रुपए स्क्वायर फीट दिया, ये डिजाइन क्यों बनवाई, ये क्यों नहीं बनवाई? तुम दुखी हो जाओगे, जो देखने वाला है दर्शक वो दुखी हो जाएगा। अरे जो डिजाइन है उसका आनंद लो ना, जो चीज दिख रही है उसका आनंद लो ना। अपने काम से काम रखोगे तो आनंद में रहोगे। सबसे पहला उपाय, अपने काम से काम रखना। बस यही नहीं हो पा रहा है इसलिए सुख के दिन आते नहीं और दुख के दिन जाते नहीं। एक व्यक्ति, हम लोग जंगल के लिए गए, तो वो कहता है बताओ यार कैसा मकान है। उस व्यक्ति ने कम से कम 10 करोड़ का मकान बनाया होगा और उसने बाहर येलो कलर का पेंट कराया। दूसरा कहता है बताओ यार ये कैसे पीला सा पुतवा दिया। तुमसे वो पूछ रहा है, तुमसे सलाह मांग रहा है,
रायचंद्र मत बनो, अपने काम से काम रखो तो सुकून में रहोगे। किसी ने पूछा कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा, देखा अपने काम से काम होता तो आवाज नहीं आती। सच बता रहा हूं, रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा बताओ, कोई बताएगा? हम बताएं, सुरेश जी क्यों रखा? नहीं पता। इसको कहते हैं अशोक वनिता न्याय। क्या कहते हैं? अशोक वनिता न्याय। रावण ने अशोक वाटिका में सीता को क्यों रखा? उसकी इच्छा थी, तुम्हें क्या करना। हरण किसने किया? रावण ने। लंका का स्वामी कौन? तो उसको जहां रखना रखेगा, तुमको क्या करना। ज्यादा तुमको है तो बचा लाओ। इतनी सी बात अगर जहन में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुकून प्रारंभ हो जाए, सुकून प्रारंभ हो जाए। देखो यहां पिलर में पोस्टर लगा है, देखना ध्यान से, इस रंग का क्यों लगा है? अरे महाराज जब आप आए नहीं थे उसके पहले से लगा है। नहीं, ये क्यों लगा है? अरे आप तो देखो, आपका माइक ठीक है, पब्लिक ठीक है, आप अपने प्रवचन करो, इससे क्या प्रयोजन, इससे क्या प्रयोजन? शुभम बेटा, अपने काम से काम रखना सबसे कठिन काम है, और आधे से ज्यादा नहीं, ज्यादातर दुनिया इसीलिए परेशान है, अपने काम से काम नहीं रख पा रहे। अरे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इससे क्या मतलब? अच्छा बच्चों से मेरे पूछने, जो एग्जाम देने जाते हैं, सामने वाले ने शीट मांग ली, सामने वाले का पेन खत्म हो गया, सामने वाला पानी मांग रहा है, टॉयलेट को जा रहा है, टीचर से क्वेरीज कर रहा है, तुमको क्या करना? तुम आगे वाले से कहते, अरे आता वाता नहीं है इसको कुछ, क्या पढ़ा इसने, दो साल से एलिन में अनअकैडमी ज्वाइन कर ली, अब कुछ बनता है क्या इसको? उसको नहीं बनता तो नहीं बनता, तुम ये बता करके, बोल करके ये क्यों बताना चाहते हो कि तुमसे भी नहीं बनता? तुमसे बनता होता तो अपना पेपर करते, उसको नहीं देखते। मैं जब एग्जाम देने जाता था ना, मुझे टॉयलेट आती थी ना, मोशन आती थी ना, प्यास लगती थी। अपना एक कार्यक्रम था, लिखना लिखना और लिखना। जिसको पेपर नहीं बनता ना, सर मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज, उन्होंने कहा, पांच मिनट बाद लौटे, कहाँ रह गए थे? अब सर कुछ बन तो रहा ही था, तो वहीं बैठे थे। जीवन में जो दूसरे के समस्या है उसको अपने पास तक क्यों लाएं? सहज सागर जी, अपने काम से काम रखें ना। अपर में सागर जी, इस बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की है, अपन ने इस बारे में पहले भी चर्चा की है, उस चीजों को अंदर मत लेके जाओ, अपना समय बचाना सीखो, समझना। हमने अंकित पंडित जी से कहा, अंकित पंडित जी पेंसिल ले आओ, तो पारस बोले हम जा रहे, हम ले आ रहे। अरे तुमसे कहा ही नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? बोले हमसे क्यों नहीं कहा? अरे तेरे से नहीं कहा, तू प्रवचन सुन, उनसे कहा, वो पेंसिल ले आएंगे। कितना अपनी लाइफ में आप ही लोग इंटरफेयर करते हो, अपनी लाइफ के सुख में शांति में आप ही इंटरफेयर करते हो। अपने काम से काम रखो ना, सुकून में रहोगे। पड़ोसी का बेटा कहाँ पढ़ रहा है, उसके कितने परसेंट आए हैं, पड़ोस की दुकान में कितने ग्राहक गए हैं और कितने का माल लिया है, वो दुकानदार से ज्यादा पड़ोसी को पता होता है। आप हॉस्टल में रह करके देखना, आपके बगल वाले रूम में जो रहता है ना, उसको आपसे ज्यादा पता है आपके बारे में कि तुम्हारे पास कौन कौन से रंग के कपड़े हैं। एक बार तुम भूल जाओ, उसको याद रहेगा। इसका मतलब ये दुखी है क्योंकि अपने काम से काम नहीं रख रहा। छुल्लक जी सुन रहे क्या? अगर अपने काम से व्यक्ति काम रखे तो उसका संग भी आनंद से चलेगा, परिवार भी चलेगी, समाज भी चलेगी, उसको दूसरे की निंदा का भाव ही नहीं होगा, उसको अपने में रहने का आनंद होगा।
उसको अपने में ही आनंद रहेगा। भैया कहाँ रहते हो? रिद्धि सिद्धि। अच्छा तलवंडी क्यों नहीं रहते? अच्छी जगह है। ठीक है भैया, आप एक घर गिफ्ट कर दो, तलवंडी रह लेंगे। विमल जी कहाँ रहते हो? बोलो ना कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो? तलवंडी रहते हो। नानता में क्यों नहीं रहते? नानता क्यों छोड़ दिया? अरे अरे आपको बुरा लग रहा है तो आप चले जाओ। अपने काम से काम रखना चाहिए। सुनो आपको मैं कहानी सुनाता हूँ एक छोटी सी। दो तीन चार दोस्त एक साथ चल रहे थे रास्ते पे और एक ने थूका रोड के किनारे, तो दूसरा कहता है तुझे पता है ये सलाइवा बहुत यूजफुल होता है, ये पाचन शक्ति काम आता है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कहता तू मुंह खोल दे भाई, तेरे को दे देते हैं। कितना बड़ा हेडिक लाइफ का, अपने में रहना कितना कठिन है। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, तुमको क्या करना, तुम भी तो लिखो, तुम भी पढ़ लो। मां सबसे ज्यादा यही दुखी किया है, पड़ोसी का जो बेटा है जो बेटी है उसने नीट क्लियर कर ली है, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। बेटा कह रहा है कि मुझे सीए करना है। नहीं नहीं तुम डॉक्टर बनोगे, ऐसे कैसे बन जाओगे, ऐसे कैसे बन जाओगे, तुम्हें तो सीए नहीं है, डॉक्टर बनना है। अरे लो, उसका इंटरेस्ट था नहीं, तुमने डाल दिया, फेल हो गया। अपने में रहना सीखो ना, सबसे कठिन काम अपने में रहना, सबसे कठिन काम। अभी आप देखो कि जब वर्ल्ड कप आए और पान के ठेले में खड़े हो ना 15 मिनट आप, अरे ये कोई खिलाड़ी है, खेलते कहाँ, इनसे तो ऐड करवा लो, एडिंग ऐड करवा लो, एडवर्टाइजमेंट करा लो, हीरो हैं, खिलाड़ी थोड़ा ना ये लोग। बॉल आई थी ऐसा, इतना तो टच करना था बस, आउट हो गया, कैसा आदमी है। ठीक है भैया तुम चले जाओ, जो पत्थर जैसा वो बॉल 150 की स्पीड तुम्हारे मुंह पे आएगी ना तब मालूम चलेगा कि बैट घुमाओगे कि सिर। अपने काम से काम रखना सबसे कठिन काम। मोक्ष मार्गी जीव इसलिए सुकून में रहते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। हमने कभी पूछा आपसे आप क्या व्यापार करते हो? अपने काम से काम रखो ना, जिसको काम होगा वो पूछेगा। चंद्रेश भाई हमने आपसे पूछा आप व्यापार क्या करते हो, हमें क्या करना, हमारा व्यापार मोक्ष मार्ग, तुम्हारा व्यापार तुम्हारा, हमारा हमारा, क्या लोड लेना। हकूना मटाटा, अपने में रहो, सुकून से रहो। जब आप अपने में रहोगे तब धर्म ध्यान कर पाओगे। मंदिर आए और मंदिर आते ही सबसे पहले, अरे यार ये यहाँ ट्यूबलाइट क्यों लगाया है? आप व्यवस्थापक हैं, आपसे किसी ने पूछा, जब तुम्हारा मौका आएगा तब तुम पीली लगा देना, अभी तो जाओ। मंदिर आए हो भगवान को देखो, धर्मशाला आए हो गुरुओं को देखो, कमरे को मत देखो। अरे वो अपरमित सागर जी, वो महाराज जी के प्रवचन जो है भाई अमेरिका में भी सुनते लोग, अच्छी बात है, धर्म की प्रभावना है। अगर दूसरे को देख भी रहे हो तो उसको आदर्श बना करके उसको, उससे प्रेरणा लेकर के देखो, उससे प्रेरणा लेकर के सीखो, तो देखना सार्थक है। पर ना अपने में रहो जिसमें सार है। ज्यादातर लोगों के जीवन की समस्या यही है कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। सही है, यही समस्या है कि समस्या नहीं है। भैया आप लोग कहां से आए, कहां से आए हो? इंदौर से। इंदौर से क्यों आए, भोपाल से क्यों नहीं आए? भोपाल में दुकान खोलो ना तुम अपनी। अरे अरे हमारी इंदौर में चल रही है, आपसे कोई पूछ रहा क्या? आप कभी ट्रेन में देखना लोग टाइम पास करते हैं। और सुनो, समय की बर्बादी भारतीय लोगों से सीखी जाए। इंडिया में ह्यूमन रिसोर्सेस सबसे ज्यादा है लेकिन यूटिलाइजेशन कहीं नहीं है, क्योंकि सब अपने में व्यस्त हैं, दूसरे में व्यस्त हैं, अपने में मस्त हैं। चिराग तुम्हारी काहे की दुकान है, आइसक्रीम की,
और ऋषि तुम्हारी हैं ड्राई फ्रूट की, तुम भी आइसक्रीम की खोल लो, नहीं तुम दोनों छोड़ो, तुम लोग दोनों लोहे की खोलो, उसकी अच्छी चलती है अच्छे की। अरे भैया अपने काम से काम रखोगे तो सुकून में रहोगे, सुखी रहोगे, और जहां तुमने पड़ोसी के मैं झांका तुम और भिड़ जाओगे। सुखी रहने का सबसे पहला उपाय अपने काम से काम रखना। महावीर जयंती का जुलूस, भाई मुनीश्वरनाथ भगवान का रथ यहाँ रहेगा, महावीर स्वामी का रथ यहाँ रहेगा, और यहाँ पर ये रथ रहेगा, ठीक है, व्यवस्थापक अपनी व्यवस्था कर रहा है, तुमको क्या करना है, तुम तो जुलूस का आनंद लो ना, चाहे वो रथ आगे हो चाहे ये रथ पीछे हो, तुमको तो देखना है। जैसे ये जिनवाणी है, अब अपरमित सागर जी इसका कवर ऐसा क्यों है, अरे जिसकी पुस्तक है उसने छापी उसको टेंशन नहीं, तुम क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो। आज के समय में हर बच्चे से हर चौथा व्यक्ति पूछता बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो, अंकल हम सीए कर रहे हैं। अच्छा अच्छा फिर सीए के बाद क्या करोगे, निकल जाएगा कर लोगे। अंकल आपके बेटे क्या कर रहे हैं, वो छोड़ो अंकल आप क्या कर रहे हो, हम तो कर लेंगे आप अपना संभालो। मैं ब्रह्मचारी था और मैं आया 3-4 दिन की छुट्टी के लिए घर, 2 प्रतिमा लेकर के पहली बार जब घर लौटा, मेरे घर में पहली बार कोई व्रति आया घर का, घर के लोग बड़े हर्षित, और मंदिर में जो पंडित जी थे वो हम द्रव्य धो रहे, वो कहते और भैया जी भगाए। अरे यार ऐसे लोगों को क्या जवाब देना। मैंने कहा भैया ठीक है, मैंने कहा हाँ पंडित जी अपने बस की नहीं थी, बड़ा कठिन है, तो अपन ने कहा घर पे ही धर्म ध्यान करेंगे। 3 दिन बाद की टिकट थी, अपन तो ट्रेन स्टेशन पहुंचे, पंडित जी वहीं मिल गए। क्यों भैया जी, अरे मैंने कहा मन बन गया तो जा रहे हैं। 3 साल बाद पंडित जी गोष्ठी में आए, तब तक हम मुनि बन गए। पंडित जी कहते अरे भैया जी महाराज बन गए। मैंने कहा हाँ मन हो गया तो महाराज बन गए। आप देखो व्यक्ति अपने समय को दूसरों के साथ और दूसरे के पास कैसा बर्बाद कर रहा है, ना कोई सेंस है, ना हाथ है, ना पैर है, ना सिर है, समय की बर्बादी चल रही। खाली बैठे दोस्त को फोन लगाया और क्या कर रहे हो, बस कुछ नहीं बस यार बैठे ही हैं, और सुनाओ। अरे यार परसों यार अपने यार रैली थी यार, भीड़ ही नहीं थी यार, चुनाव वो लड़ रहा, पैसे वो खर्च कर रहा, जीतेगा तो सत्ता उसकी, हारेगा तो किसी और की, तुमको क्या करना। ऐसे लोगों के साथ जो दूसरों के काम में इंटरफेयर करते हैं, अपने काम से काम नहीं रखते, ऐसे लोगों की जिंदगी में ज्यादा हानि होती है। बोलो आप प्रमित सागर जी। अच्छा उस चीज को वो घर करके रख लेते हैं, और कि यार यहाँ पर फिलिप्स का ट्यूबलाइट लगना था, अरे बोले जमा नहीं यार, तो हम तो यार दूसरी कंपनी का ले आए, सूर्या का ले आए, नहीं नहीं फिलिप्स का लाओ, नहीं वो तो भैया उस अब ले ही आए, नहीं नहीं फिलिप्स का लाओ भैया, वो हम ले आए एक्चुअली पैसा, नहीं नहीं लेके आओ फिलिप्स का नहीं सूर्या का लाओ। अरे भैया उसका घर, उसको जो करना वो करेगा, तुम क्यों परेशान हो। एक मल्टी के नीचे 10 बच्चे खेल रहे थे, भैया ध्यान से सुनना सुरेश जी, एक मल्टी के नीचे 10 बच्चे खेल रहे थे, एक आदमी ऊपर से आया नीचे ऑफिस जा रहा था, क्यों बेटा देश का प्रधानमंत्री कौन है जानते हो, हाँ अंकल, बोले कौन, बोले अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा अच्छा बेटा उनकी उम्र कितनी हो गई, अंकल पता नहीं, बेटा दिन भर खेलते रहोगे तो कैसे मालूम चलेगा, कुछ ज्ञान भी तो अर्जित करो, ठीक है। अगले दिन फिर उतरता है, बेटा जानते हो बाबर कब हुआ था, बाबर, नहीं अंकल, अब दिन भर खेलते रहोगे तो कैसे मालूम चलेगा। तीसरे दिन अपने जैसा कोई फंस गया उसको आड़ा, वो पूछता है बेटा जानते हो अकबर कब हुआ था, अंकल वो तो नहीं जानते, आप जानते हो कि रामलाल कौन है, बोले नहीं, बोले घर में रहोगे तो मालूम चलेगा ना, समझे क्या संजय।
तुम घर से निकले और रामलाल तुम्हारे घर के अंदर। अरे अपने घर को देखो जिसमें सारे, अपने में रहोगे तो सुख से रह पाओगे वरना रह नहीं पाओगे। इसी चिंता में उसकी शादी कब होगी, इसकी क्यों नहीं हो रही, इसकी क्यों हो गई। अरे तुम्हारी तो वैसे ही नहीं होनी ना सेठ सागर जी, अपनी तो वैसे ही नहीं होनी, अपनी तो हो चुकी है, एक बार दीक्षा हो गई अपन तो फ्री हो गए। अब उसकी क्यों नहीं हो रही, कहाँ होगी, कब होगी, अरे जब होना तो हो जाएगी। तुमको क्या लोड है, उसको लोड नहीं तुमको लोड है। ये तुम्हारा सुख चला जाएगा, सुख को बना करके रखना है। अगर जीवन में अपने काम से काम रखो। अच्छा आप लोग बताओ कि आपके जीवन में समस्याएं कम है क्या, आपके जीवन में काम कम है क्या, दूसरे का क्यों लोड ले रहे हो, दूसरे का क्यों लोड ले रहे हो, अपने में रहो माँ, अपने में रहो। ये माताएं दोपहर में 2 बजे फोन लगाएं एक दूसरे को, और ये तुअर की दाल और मसूर की दाल इस पे 2 घंटे डिस्कशन हो सकता है। घर के बाहर जेसीबी खड़ी है इस पे 5 घंटे डिस्कशन हो सकता है। जेसीबी हिली नहीं, कुछ हुआ नहीं, 5 घंटे का डिस्कशन। और बाद में आखिरी में चलो अपन को क्या करना, अपन को क्या करना, उसकी गाड़ी ना। मानो तो कभी आप दो टिपिकल भारतीय महिलाओं की बातें सुनना। अभी मैं 10 मिनट प्रवचन बंद कर दूं, अभी चालू हो जाएगा कि यहाँ अभी पंखे हैं तो यहाँ पर भी जाली लगवा लेना भैया, कबूतर उड़ते रहते ना, यहाँ भी जाली लगवाना। अब ये यहाँ पर जो पंखे क्रॉम्पटन के हैं यार, उनको बजाज के लगवाने थे। समझते क्या है, समाज का पैसा है। अरे भैया जब आपको मौका मिल तो आप बताना, तुम मैदान में खड़े नहीं हो, दर्शक हो नहीं, तुम घर पे फोन पर देख रहे हो। वहाँ की परिस्थिति में पता है क्या है, इतनी गर्मी है, मैदान में जाओ खेलो तो मालूम चले चीज़ें क्या होती। अपने काम से काम रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है, दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन जिसने कठिन काम कर लिया उससे ज़्यादा सुकून किसी को नहीं, उससे ज़्यादा सुकून किसी को नहीं मिलेगा। अपने काम से काम ये वही रख पाएगा जो हकूना मटाटा अपने में जी पाएगा। क्या करना, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, बेचारे इसीलिए परेशान है भारत, भारतीय लोग इसीलिए परेशान हैं कि पड़ोसी परेशान नहीं है। इंडिया और रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अभी भी, हाँ पता है आप लोगों को चल रहा है क्या, बताओ कोई यूक्रेन वाला तुमसे बोलने आया क्या, रसिया वाला बोलने आया क्या, फिर भी उसी में लगे हो। फिर उसमें राजनीति होगी, वो तो अमेरिका करा रहा है, भारत तो रोटी सेक रहा है, भारत ने तो एकदम अपना काम करके बाहर निकल गया। इससे आपका क्या प्रयोजन, अप्रयोजनीय काम करने से जीवन का प्रयोजन नष्ट हो जाता है। आप लोग प्रवचन सुनने आए ना, कितने लोग प्रवचन सुनने आए हैं, पक्का सुरेश जी प्रवचन सुनने आए ना, तो प्रवचन सुनो ना। ये क्यों देखो कि हॉल कितना बड़ा है, हॉल का साइज कितना है, हॉल में कौन सी सीमेंट से बनाया है। अरे अपन तो प्रयोजन पर रहो, अपन प्रयोजन पर रहो ना, मंदिर आए भगवान के दर्शन करो और आगे बढ़ो। मूल नायक भगवान यहाँ के चंद्र प्रभु भगवान ही क्यों है, क्यों है बताओ भैया क्यों है। अरे महाराज जी हम लोगों की इच्छा थी वो भगवान मिल गए तो रख दिए, इसमें लोट क्या लेना, इसमें लोट क्या लेना। अपन अप्रयोजनी तत्वों पे चले जाते हैं, प्रयोजनी को भूल जाते हैं। प्रयोजनी पर आइए, जिस चीज से आपके जीवन का विकास हो, जीवन में सुख शांति की वृद्धि हो, उसमें आओ वो करो, बाकी छोड़ो। संजय भाई सुन रहे कि नहीं, प्रयोजनी को देखो, काम की चीज क्या है उस पर ध्यान दो। ये भारतीय माताएं हैं, कम से कम 100-200 जोड़ी कपड़े से इनके पास होंगे नहीं कम, समझना आप। इनको कौन से रंग के कपड़े रखना है, इससे अपन को क्या करना,
अपन को क्या, हाँ सच कहने में पीछे मत हटना, जब सच की बात आए तो सच कहना, लेकिन जो प्रयोजनीय है उसको कहो, जो अप्रयोजनीय उसको क्या कहना। प्रयोजनीय तत्व पर आओ, जब आप प्रयोजनीय तत्वों पर आओगे तो जीवन में सुख बढ़ेगा। माँ आप लोग कितना परेशान रहते हो बिना सिर पैर की बातों पे, नहीं रहते? रहते हो। सुबह के लिए कुकर लगा के आएगी नहीं? कितनी माताएं कुकर लगा के आ चुकी हैं खाने के लिए, कुकर नहीं लगाया, आज भी यही भोजन है क्या? हाँ अभी जाके कुकर लगाओगी? हैं खाना बना के आए, कितने लोग बना के आए खाना? एक बस, बाकी बना के नहीं आए, मतलब नाश्ता कराते हो आप लोग और 2 बजे खाना खिलाओगे, फिर तुम्हारे रात को भी खाएंगे। सुनो, जो चीज़ काम की हो, जिससे आपके जीवन का प्रयोजन हो, उस पर ध्यान दो, सब्जेक्ट में रहो, आउट ऑफ कोर्स मत जाओ। ओ छोटे दद्दू बेटा, सब्जेक्ट में रहो, आउट ऑफ कोर्स मत जाओ। आउट ऑफ कोर्स गए, सब्जेक्ट के बाहर गए, संक्लेशता प्रारंभ, सुख का अभाव, सुख का अभाव। आउट ऑफ कोर्स मत जाओ। आप लोग आउट ऑफ कोर्स जाते कि नहीं? नहीं जाते? हाँ नहीं जाते? अरे 24 घंटे आउट ऑफ कोर्स में हो, वरना अभी तक महाराज बन जाते। अपन अप्रयोजनी पर ध्यान क्यों दें? लेना आपको सेव फल है और पूछ रहे हो अंगूर कहाँ से आए हैं। एक व्यक्ति गया सब्जी मंडी, फल मंडी, भैया अंगूर कितने रुपए किलो? उसने कहा इतने रुपए किलो। आम? अच्छा केले कैसे दिए? ठीक ठीक। चीकू है क्या? नहीं है तो चीकू भी रखा करो यार। अच्छा आपको क्या चाहिए? हमको तो सेवफल चाहिए भैया। अरे तुमको सेवफल चाहिए तो सेवफल पूछो और आगे बढ़ो ना। समय को बचाना सीखो, अप्रयोजनीय काम करने से समय चला जाता है, ध्यान रखना बीता समय लौट कर नहीं आता, बीता समय लौट करके नहीं आता। आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल 2024, 9:13 हमारी घड़ी में हुए। अब 24 अप्रैल 2024 9:12 आएगा क्या? गया। क्यों ना उसका यूटिलाइजेशन कर लें, क्यों ना यूटिलाइजेशन कर लें। आने वाले समय का कोई भरोसा तोड़ना है, प्रयोजन से काम रखोगे तो यूटिलाइजेशन होगा, और प्रयोजनी कामों पर बुद्धि नहीं होगी तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सैयद सागर जी, यद्यपि आप अपने में ही रहते हो, भैया ऊर्जा मंत्री आया, चिराग ऊर्जा मंत्री राजस्थान का, छोटा मोटा आदमी है, शिक्षा मंत्री आया। अब सैयद सागर जी अपनी पेंसिल लिए, रामहा रामौ रामहा भवती भवता भवंती, वो आया नमोस्तु करके चला गया। मैंने कहा भैया आशीर्वाद दे दो, शिक्षा मंत्री हैं आपके। अच्छा हाँ फिर, और ऐसा जीवन हो जाए तो क्या बात है। अपने को क्या करना, क्या प्रयोजन, लेकिन व्यवहारिकता रहे, व्यवहारिकता रहे। किसी के यहाँ किसी का देहावसान हो गया है, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, कहीं एक पक्ष में मत चले जाना। किसी के यहाँ किसी की आयु पूर्ण हो गई, मृत्यु हो गई है, अब भैया वो तो मरने वाला तो मर गया, भैया अपन क्या कर सकते हैं। और जिसके यहाँ तुम गए बैठने, भैया वो तो चले गए, तुम्हारा भी नंबर आने वाला, तुम भी मरोगे। किसी की नई नई शादी हुई, बोले हाँ आशीर्वाद दो, आप तो बुजुर्ग हो। हाँ हाँ आशीर्वाद बेटा, लेकिन मरना एक दिन सबको है बेटा। अरे बोले अभी तो आज तो शादी हो रही स्टेज पे, आप डायरेक्ट मरने की बात है, ये अव्यवहारिक है। काम करो प्रयोजनी व्यवहारिक, तब जाकर के आपके जीवन में सुख आएगा, वरना दुख ही दुख रहेगा। देखो मैं जो कह रहा हूँ इसको जीवन में जितनी देर से उतारोगे उतनी देर से सुख प्रारंभ होगा। माँ आप लोग प्रारंभ कर दें, आप लोग प्रारंभ कर दें, अपने सुख के लिए जीना प्रारंभ कर दें, अपने लिए जीना प्रारंभ कर दें।
अपने लिए जीना प्रारंभ कर दिया। अब बुजुर्ग लोग कुर्सी पर बैठे हैं, सुनना ध्यान से, जो बुजुर्ग है वो कुर्सी पर बैठे हैं। अब कोई और आया जिसको बैठना है और उसको कुर्सी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, तुम प्रवचन सुनो, उसकी तरफ मत देखो, क्योंकि कुर्सी उतनी है, तुम उसको कुर्सी दे नहीं पाओगे, तुमको चाहिए तो पहले से आओ ना, तो आप अपने प्रवचन का आनंद तोड़ दोगे। समझ रहे बात को? काम से काम रखो। कुछ लोगों के जीवन में कोई काम नहीं है, वो दूसरे के काम से काम में इंटरफेयर ही करते रहते हैं। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ये बताओ ये क्यों हो रहा है। अरे भैया, तुमको पता होता तो तुम ही नहीं बन जाते कलेक्टर। पारस, पंच कल्याणक जब होते हैं तो सारी क्रियाएं होती हैं, गर्भ से जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण। अब कोई बोले ये जी क्या है महाराज जी, अरे भैया तुम प्रतिष्ठाचार बन जाओ, देख लो, तुम बन जाओ प्रतिष्ठाचार, तुम सीख लो। जब तक आप चीजों में इन्वॉल्वमेंट करते रहोगे तब तक आपके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। हाँ, सीखने के लिए तो आपको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, मुझे सीखना है, लेकिन तर्क वितर्क कुतर्क करने के लिए इन्वॉल्वमेंट ना करें, इन्वॉल्वमेंट ना करें। देखो फिर से कहता हूं, आउट ऑफ कोर्स मत रहो, अपने सब्जेक्ट में रहो, सब्जेक्ट में रहो। आप लोग सब्जेक्ट से बाहर चले जाते हो इसलिए फेल हो जाते हो। ज्ञान प्राप्त करना भिन्न है, ज्ञान प्राप्त करना भिन्न बात है, उसमें इंटरफेरेंस करना भिन्न बात है। इंटरफेरेंस नहीं, ज्ञान प्राप्त करो। विमल जी, अपने काम से काम। देखो अब समय कम है, बुरा नहीं मानो तो बोलूं एक बात, समय कम है, समय कम है, कल किसी ने नहीं देखा, समय कम है, क्यों ना उस समय का आप सदुपयोग कर लिया जाए। जो बीत चुकी हो तो बीत गई, चलो छोड़ दो, आज अपन उस जो बचा समय उसका कैसा उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि बीते 70 साल और आने वाला 6 मास, 1 महीना, 15 दिन उसमें वो विशुद्धि बना ले जो अनंत भाव में ना बनी हो, और वो समाधि का सोपान बन जाए। अच्छा एक आपसे बात पूछता हूं, अंतिम समय समाधि लेना कितने लोगों का लक्ष्य है, सुनना ध्यान से, अंतिम समय समाधि लेना लक्ष्य है। एक वृद्ध पुरुष आए हमारे पास, बोले महाराज जी अब स्वास्थ्य कमजोर है, ठीक है आशीर्वाद, थोड़ा दिन रुको। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, डॉक्टर ने कह दिया 5 दिन बचे हैं। वो मेरे पास आते हैं तो उनकी समाधि कराना चाहिए कि भगा देना चाहिए, है पक्का? अरे बुढ़ापे में क्या करेगा दीक्षा लेके आदमी, भगाओ इसको तो हॉस्पिटल में डालो। ऐसा कहना सही है कि गलत? ऐसा सोचना भी गलत है। लेकिन जिसके पास कोई काम नहीं होगा तो यही सोचेगा कि दीक्षा क्यों हो रही है, वृद्धावस्था में दीक्षा दे रहे महाराज जी। अरे भैया अंत भला सब भला, ये तो लक्ष्य है ना। कोई वृद्ध यहां पर आते हैं और उनकी समाधि होती है तो अच्छी बात है ना, एक का कल्याण हो गया। लो भैया महाराज तो भैया वृद्धों को दीक्षा देते लगे, भैया नली निकाली, फूड पाइप निकाला और उनकी समाधि कराने में लगे हैं, क्या मतलब है, समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया तुमको नहीं पता, अंतिम समय कान में एक बार भी नमोकार की ध्वनि पड़ जाए, मन शांत हो जाए, क्या पता कितने भाव शांत हो जाए। लेकिन जिनके पाप कर्म का उदय होगा, जो अपने अंतरंग में कसाय को स्थापित रखते हैं, ऐसे लोग उसमें भी विघ्न करेंगे, ऐसे लोग उसमें भी विघ्न करेंगे। अभी भैया एक जगह समाधि चल रही है, वहां से खबर आई, समाज के लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? बोले वृद्धावस्था में क्या जरूरत है दीक्षा देने की, अंतिम समय भी समाधि की भावना बनी है, कितनी बड़ी बात है। जैसे अपना मंदिर है ना, ये यहाँ धर्मशाला है, हर मंदिर में धर्मशाला में कमरे हैं, एक कक्ष को समाधि कक्ष बना के रखो,
क्या पता कब कौन सा जीव कल्याण कर जाए। पता आपको भगवान आदिनाथ ने भी छुल्लक जी चली पूर्व भाव में, नहीं पता? बोलो छुल्लक जी पढ़ा कि नहीं? लंबे समय तक छुल्लक रहे भगवान ऋषभदेव पूर्व पर्याय में, लंबे समय तक, और अंतिम अंतिम समय मुनि दीक्षा ली और समाधि पूर्वक मरण करके 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाला इंद्र हो गए। बताओ 16वें स्वर्ग में, फिर वहां से नीचे आए, फिर पर्याय मिली, फिर और आगे जाकर के ऋषभदेव बने। क्या अपने काम से काम नहीं रख पा रहे डॉक्टर प्रदीप जी? लोग अपने काम से काम नहीं रख पा रहे, बताओ कितना कठिन काम है। बाहर से यात्री आते ना आपके यहाँ, अब गोदा जी उनसे पूछना भैया क्यों आए हो। एक जगह सुनो, एक जगह एक को आवाज़ व्यवस्था दी गई तो फोन जैसे ही कोई बोले भैया हम आ रहे हैं, अच्छा अच्छा कितने दिन के लिए, कब तक रहोगे, ऐसा नहीं पूछा जाता। अरे यात्री आया है उनसे बोलना कि आपको हम उतनी अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं, अधिक दिन के लिए तो ये व्यवस्था है, आप कम दिन के लिए आए तो आपको पास में रुकवा देते। कहने का तरीका सलीका होता है, भैया एक और रोटी लाएं क्या, एक और रोटी लो, कितना अंतर आ गया, कितना अंतर है। कोई पूछे अपन से अगर भैया खाओगे क्या, अपन तो पहले बोलते हैं ये खा के आए हैं। अच्छा कई लोग उसमें भी चालू होते हैं, जबलपुर की भाषा ही अलग है विमल जी, वहाँ पहले पूछे तो चाय तो पी के आए होंगे, कोई किसी के बैठने अच्छा नाश्ता करके आए क्या। अरे अपन तो डायरेक्ट नहीं करके आए, लगाओ भाषा ही वही है, क्या करोगे भैया नाश्ता तो करके आए होंगे, सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ भैया करके आए हैं, खाना भी खा के ही आए हम तो सुबह 6 बजे से ही, समझ गए। काम की बात करें सब्जेक्ट में रहें, आउट ऑफ सब्जेक्ट ना जाएं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाएं, बाहर का छोड़ें, क्या देश की राजनीति, क्या क्रिकेट, क्या दुनिया में चल रहा है, कोई मतलब नहीं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, धर्म ध्यान करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, बात खत्म। आउट ऑफ कोर्स जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे कि नहीं आप लोग, आउट ऑफ कोर्स गए कि कुछ नहीं मिलेगा। प्रयोजन से प्रयोजन रखें, मनुष्य जन्म का प्रयोजन है अपने परिणामों को निर्मल करके उच्च गति में ले जाना। वो प्रयोजन आप भूल गए। देखो आप जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो जब शाम का समय हो, थोड़ी ठंडक सी हो और माता पिता अंदर माला फेर रहे हों, छोटे बच्चे तो बच्चे ही है ना, वो माने स्तंभ के 100 चक्कर लगा लेंगे, खेलते रहेंगे और 100 चक्कर लगा देंगे, दो बच्चे मिलके माने स्तंभ के खेलते रहेंगे। आप उनसे पूछना बेटा क्या कर रहे हो, अंकल खेल रहे हैं। अप्रयोजनी। अगर वही बच्चा हाथ में माला लेकर के 100 चक्कर मानस्तंभ के फेरी लगा ले तो निर्जरा। जो आयु का समय है वो आप अप्रयोजनी ना बर्बाद करें, कुछ ना कुछ प्रयोजन रख करके जीवन जी, तब जाके जीवन में सुख बढ़ेगा। ये सुखी रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। ओ गंगवाल जी सुन रहे कि नहीं, क्या सुखी रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय, अपने ऐसे काम से काम रखो। मैं आपके आहार पर गया था ना, तो मैं ये सोच के, मैं तो मन में लगाया था, मैं देख लिया था पहले 12 माले की बिल्डिंग है, कितने माले की है ना, हम जब निकले तो हमने एक बार में देख लिया, हमने भैया हो सकता है 8वां फ्लोर भी हो सकता है 12वां भी हो, पेंट हाउस भी हो, तुम तो 12वें का मन बना के चढ़ना, मन में समता बनी रहेगी। अब उससे पूछो अरे वो पीछे पीछे तुम तो ये गैया हो, जब पड़ गए ना महाराज ना तो गाय जैसे हो गए, घर में गाले बन गई रस्सी, अब वो जहां ले जाए तो जाओ चुपचाप, तो
तपन तो भैया चलो भैया, उन्होंने कहा पहले ही फ्लोर में आओ महाराज जी, चलो भैया बच गए। और बारहवा भी होता तो होता क्या दिक्कत थी, नीचे होता तो अपन सोचते चलो ये कम चलना पड़ा है, ऊपर होता अपन सोचते हवा अच्छी मिलेगी। अपन को तो आहार करना है, फ्लोर तोड़ना देखना है, प्रयोजनी कार्य करें, अप्रयोजनी से बचें, तब बात है। और जो काम आपके योग्य वो आप करें, जो आपके योग्य ना हो वो आप ना करें, वो करवाएं। कुछ काम करें और कुछ काम करवाएं, जो अपने योग्य ना हो अपरमित सागर जी वो अपन ना करें। ऐसा करने से भी सुख चला जाता है। जो अपना काम है वो अपन अपने हाथ से करें, हमारी चिटाई अपन अपने हाथ से मार्जिन करेंगे, हमारी जिनवाणी हम अपने हाथ से बैग जमाएंगे। अब बाहुबली तुम बिजी हो लाओ तुम्हारा बैग जमा दें, नहीं भैया, अगर कोई आपकी सहायता मांग रहा है तो करो ना। एग्जामिनेशन हॉल में कभी देखा आपने पीछे वाला पूछ रहा क्यों भाई बन रहा क्या नहीं बन रहा हम बताएं, ऐसा देखा कभी? सगा मित्र भी हो ना तो पहले अपनी सीट भरता है फिर पूछता है। अपने काम से काम रखें, अतिशय बेटा अपने काम से काम रखो, सुन लिया तुमने अतिशय? अपने काम से, तुम्हारा काम मनुष्य पर्याय में मुनि बनना है और कोई नहीं है, बाकी अपने काम से काम रखो। खाया खोया बह गया, जिंदगी में कुछ बचने वाला नहीं है। कितनी डिग्री ले लो, ये डिग्री होल्डर भी नीचे बैठे हमारे, ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब आपने कहाँ से पढ़ाई करी, कौन से कॉलेज से? इतने बड़े कॉलेज से डॉक्टर बन के आए, क्या कर रहे हैं नीचे तो बैठे हैं? ससुराल में आए हो कि हमारे पास आए हो? हाँ, कि ससुराल में आए हो, वैसे तो ससुराल में आए हो, रिद्धि सिद्धि में ससुराल है ना भैया डॉक्टर साहब के। अब इनकी ससुराल यहाँ है, इनने शादी क्यों करी, अपने को क्या बेटा? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पैसे वाला भी क्यों ना हो, मुनि के आगे सब फीके हैं। और मनुष्य पर्याय का प्रयोजन ही वो ही है। आप सबको बता रहा हूं, कोई महाराज के पास जाओ वो पूछे अच्छा क्या व्यापार करते हो बेटा, महाराज जी हमारी फैक्ट्री है पत्थर की, रोहित अच्छा अच्छा महीने का कितना कमा लेते हो, ये तो डायरेक्ट पूछना आपको कितना दान चाहिए, घुमाओ फिराओ नहीं आप, कि तुम 2-2.5 लाख रुपए महीने कमा लेते हो तो यार 50,000 दे दो इनको। अरे बोला डायरेक्ट बात करो, घुमाओ फिराओ नहीं आप। अपने काम से काम रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हाँ ये तो हनी है, देखा डिस्टर्ब हो गए, प्रवचन सुन रहे हो और देख हनी को रहे हो, कब आया ये, कब आ गया यार, 2 दिन पहले तो इंदौर था। अपने काम से काम रखो, तुम क्यों आए हो, हनी से मिलने आए कि हमसे मिलने आए हो, सोच रहे इतनी लेट क्यों आया, प्रवचन में पहले आ जाने चाहिए था। यही तो सिखा रहे हैं घंटे से, अपने काम से काम रखो। उसको आना तो वो आ गया, नहीं आना तो हो सकता कुछ और काम कर रहा हो, अपन को क्या करना। अपने काम से काम रखना सबसे कठिन काम है, अपने काम से काम। शुभम तुम तो अपने काम से काम रखो भैया, तो तुम बोलो हम जा रहे सो रहे, तेरा काम है संभालो। इधर देख शुभम बेटा, सबसे कठिन काम है अपने काम से। हाँ तुम टीकमगढ़ जाना अपने अंत गांव, लोग तुमसे पूछेंगे क्या कर रहे हो आजकल, अरे हमने आपसे पूछा कि क्या कर रहे हो, कि अंकल उनसे पूछना आपके 3 बच्चे ही क्यों हैं, 5 क्यों नहीं है, अरे उसकी शादी उसको करना कि नहीं करना उसके ऊपर तुमको क्या परेशानी है। सुन लिया भाई अतिशय? बेटा मुनि बनना हो अपने काम से काम रखना तो बन पाओगे, वरना तुम जी नहीं पाओगे। हम हर दिन अपन जब नए मंदिर में जाते हैं, नए घर में जाते हैं, हम जाते ही वहां घर का वास्तु समझ लेते हैं 1 सेकंड में, विमल जी पैर रखते ही मालूम चल जाता है इसका वास्तु अच्छा ही खराब। लेकिन मैं कभी किसी से बोलता नहीं हूं, कोई पूछना भी नहीं, और पर मंदिर आए ना हम देखते सब चीजें हैं, कहाँ क्या कैसा है क्या नहीं है, कहते कुछ नहीं है। कि अपन अपने काम से काम रखो, ज्ञान का वर्धन करो,
एक व्यक्ति के यहाँ मेरे आहार हुए और घुसते ही दिशा मैंने देखी तो ये दिशा ये वाली है, ईशान कोण में उसके यहाँ किचन था। मैंने पूछा उसको बाहर आहार के बाद, मैंने आपके यहाँ कभी कोई गर्भ बच्चे गर्भ में ख़त्म हो गए क्या? बोले हाँ। अच्छा, मैंने कहा आपकी जो पत्नी उसके पेट में दर्द रहता है या कोई बीमारी लगी रहती है? बोले हाँ। क्यों? वास्तु कह रहा है कि ये चीज़ नहीं होगी तो ऐसी होगी, जिसके अग्नि कोण कटा है उसका सेकेंडरी लॉस होगा, नौकर भाग जाएंगे, घर के लोग बीमार रहेंगे, सेकेंडरी लॉस होगा, प्राइमरी लॉस नहीं होगा, ये वास्तु कह रहा है। लेकिन जानो, देखो, उसके अंदर घुसो मत। अब सबको बताएंगे लग जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। और सुनो चिराग, आता तो हमको बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ बताने लग जाएंगे ना तो बेटा अपने में नहीं रह पाएंगे। कल आप यहां विधान रख लो, सर्वार्थ सिद्धि विधान, कार्य सिद्धि विधान, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही हो जाएगी, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो टॉप कर लेंगे, जिनका व्यापार मंदा हो रहा है वो चलने लगेगा, मालूम चल जाए हॉल बाहर की रोड सब भरी मिलेगी, तुम जितने पैसे वो लोग उतने देंगे, क्योंकि सब परेशान है। कोई बात नहीं, जब व्यापार नहीं चल रहा धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान अच्छा करोगे तो व्यापार चलने लगेगा। 2019 में बहुत पानी गिरा था, बहुत फसलें खराब हुई थी। एक एमपी के किसान ने क्या किया, उसका खेत था तो खेत में भर गया पानी, उसने क्या किया, आजू बाजू खेत की मिट्टी और निकाली, अपनी मेड़ बना ली 10 फीट की। कितने फीट की? 10 फीट की उसने मेड़ बना ली और उसके खेत में 10 फीट का तालाब बन गया। लोगों ने पूछा भैया क्या कर लिया तुमने इससे? अरे बोले भैया पानी तो गिर गया, फसल तो खराब हो ही गई थी, हमने अपने यहाँ का वाटर लेवल अच्छा कर लिया। अरे उसके यहाँ 8 महीने 4 महीने 3 महीने पानी भरा रहा तो वाटर लेवल अच्छा हो गया कि नहीं उसके यहाँ? अब उसकी फसलें अच्छी आ रही हैं। जो परिस्थिति बिगड़ चुकी है उसको भी सुधारना संभालना सीखो। पानी क्यों गिर रहा है, धूप क्यों आ रही है? अब जाओ तुम सूर्य से बोल के आओ भैया टेम्परेचर कम करो रिमोट से उसका, धूप तो पड़ी रही है, पड़ेगी, और कोटा तो कोटा है, यहाँ कोटा स्टोन है तो कोटा स्टोन गर्म रहता ही है। अप्रयोजनी तत्वों से बचें। बात आई समझ में? अपने काम से काम रखें। हकूना मटाटा चिराग, अपने काम से काम रखो। अतिशय अपने काम से काम रखो। ये दद्दू ने इतना बड़ा, छोटे दद्दू ने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया? तुमको क्या करना? इसी में देखो समय बर्बाद करते कि नहीं। कैसे कपड़े की टी शर्ट ले आए, कौन से रंग के कपड़े ले आए, अरे उसको पसंद है, तुमको क्या दिक्कत है? तुमको क्या प्रयोजन? ये कैसी हेयर स्टाइल है तुम्हारी? ये देखो पाटनी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, क्या करना है? ओसो बनना है क्या भाई? उनको दाढ़ी बढ़ाना, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? अपने में आओ, दूसरे से दूर हटके अपने में आओ। जब आप अपने में आओगे तब सुकून से रह पाओगे। कोई आपके बारे में बुरा भी सोच रहा हो तो सोच ले, तो उसकी सोच है, तुमको क्या करना? तुम तो कम से कम उसके बारे में बुरा मत सोचो, उसके प्रति अच्छी भावना रखो। एक दिन बदलेगा, एक दिन बदलेगा। वो नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, अपन बदल जाएंगे। पानी गिरता है तो क्या करते हो? छाता लेके चलते हो? ऐसा थोड़ा ना होता कि बादल पानी आ रहा तो कूलर ले जाओ छत पे कि हु भग जाए बादल उड़ जाए। ऐसे नहीं होती चीजें। चीजों को समझें और संभालें, खुद को अपने में रहना सीखें, स्व में स्थित होकर के जीना सीखें सहज सागर जी, लेकिन व्यवहारिकता के साथ। हैप्पी बर्थडे है, आज भगवान का जन्म कल्याणक है, मुस्कुरा के। देखो मैं आपको बताऊं, पारस बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है, गोदा जी बैठे क्या, कहाँ हैं गोदा जी? बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है कि क्यों हो रहा है। सौदर्मिंद्र जी आए हैं हिम्मत नगर से। सुनो आप, आज के समय के
केवल आपको भारत, अगर जैन दर्शन को देखना है तो केवल आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात इसमें नहीं देख सकते, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नहीं नहीं पूरे भारत में जैन दर्शन को देखना है। जितने मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए कर्नाटक में, उनका पुनर्जीर्ण उद्धार करके ये प्रतिमाएं वहां विराजमान की जाएंगी, वहां फिर से जैन दर्शन स्थापित होगा। वहां पांच पांच सात सात पीढ़ी से लोग मंदिर नहीं गए, कितनी पीढ़ी से, पांच पांच पीढ़ी से मंदिर नहीं गए, उनको पता ही नहीं कि जैन दर्शन क्या है, कि हम जैन है कि क्या है। आखा तीज के दिन दीवाल में पुतला बना के थोड़ी सा एक रोटी चखा दो, खीर लगा दो, हो गई आखा तीज, क्यों करते पता ही नहीं है, पता ही नहीं क्यों करते। उनको पुनः धर्म स्थापित किया जा रहा है। ऐसे हजारों मंदिर वहां टूटे पड़े हैं, उनका जीर्णोद्धार करके वहां पुनर् से जिन बिंबों की स्थापना करके वापस वहां लोगों को श्रावक बनाया जा रहा है। और क्यों, और सुनो क्यों, अंतिम समय धर्म दक्षिण में ही बचेगा। भरत क्षेत्र का दक्षिण भारत देश, यहां धर्म है, लेकिन देखो ऊपर ऊपर से धर्म उतर के नीचे आता जा रहा है। अंतिम समय धर्म दक्षिण में ही बचेगा, उसकी चिंता हमको है। अब बोलो ना महाराज जी, आप कहते अपने में रहो, दूसरे से क्या प्रयोजन। हाँ, हम अपने जिन शासन में ही हैं, उसके बाहर नहीं है। बहुत सारी चीजें बताना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए। चीजें बाद में मालूम चले ना कुछ कुछ तो अच्छा लगता है। ओ भैया सौधर्मिंद्र जी, सोगानी जी सुन रहे ना, सौधर्मिंद्र जी सुन रहे कि नहीं। ज्यादा विकल्प करके जीवन नहीं जीना। रूपेश जी, संघवी जी सुन रहे कि नहीं। सौधर्मिंद्रो बढ़िया आनंद लो, भगवान का पंचकण करो। भैया इनकी तो 24 भगवान हैं, 24 जिन बिंब इनके हैं। सनत जी अजमेर आए हैं, उनके भी द्वारा स्थापित प्रतिमाएं, बहुत सारे और भी लोग आए हैं बाहर से। छोटे दद्दू तुम्हारी भी है, अतिशय तुम्हारी भी है, चिराग तुम्हारी भी है, हिम्मतनगर ए अपना गुजरात से लोग आए उनकी है, वडोदरा से आए उनकी है, राजस्थान को भीलवाड़ा से आए, एमपी से आए, बहुत सारे लोगों के भगवान हैं। कल परसों से कर्नाटक के लोग भी आएंगे, वो जो प्रतिमा जी को ले जाने आएंगे। देखो पारस, क्या पता किस शुभ निमित्त काम में अपन निमित्त बन जाएं, और क्या अपनी परिणाम उस निमित्त के लग जाएं और अपना कल्याण हो जाए। पता नहीं है, क्या पता कि यही प्रतिमा कभी मंदिर फिर से ध्वस्त हो, कोई कलगी आए, फिर ये जिन बिंब जमीन से निकले, फिर जहाजपुर महावीर जी जैसे क्षेत्र बने। इसलिए जब गली गली मिथ्यात्व है तो गली गली सम्यक्त्व के लिए जिनालय भी होना चाहिए। लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी बहुत मंदिर हो गए, बहुत मंदिर हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं बहुत मंदिर हो गए, भैया अपने काम से काम रखो, तुम्हारे भी तो 10 प्लॉट हैं कोटा में, नहीं है क्या? एक एक हॉस्टल यहाँ बना लिया, एक हॉस्टल वहाँ बना लिया, एक हॉस्टल वहाँ बना लिया, क्यों क्यों बना रही है हॉस्टल इतने सारे? पैसा आता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता रहेगा। अरे भैया जब आप 10 प्लॉट ले सकते हो, 10 मंदिर भी हो सकते हैं। एक संप्रति नाम का राजा हुआ भारत में, अशोक की चौथी पीढ़ी में, उसने 125,000 दिगंबर जैन मंदिर बनवाए थे अकेले ने। कितने? और सरावगी समाज से पापलीवाल श्रावक हुए, जीवराज पापलीवाल, उन्होंने लाखों मूर्तियां रखवाई भारत में, लाखों। जिस मूर्ति में संवत लिखा मिल जाए 1548, नीचे देखना जीवराज पापलीवाल नाम लिखा मिलेगा। 1,00,000 से ज्यादा जिनबिंब रखवाए उस व्यक्ति ने, कितने? अब अपन बोले क्यों क्यों रखवाए भैया? अरे भैया वो भगवान नहीं रखता तो आज प्राचीन मूर्ति तुम्हें देखने कैसे मिलती? अपने काम से, बोलो ना, बोलो ना, अपने काम से, अपने काम से काम रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है।
ज्यादातर लोग इसीलिए परेशान है कि दूसरा क्या कर रहा है। तुम अपने में देखो क्यों विकल्प कर रहे हो भैया। किसी के शादी में गए कल, ऊपर जीवनार था ना, रसगुल्ले कितने लोगों ने खाए बताओ ना, पूछ रहा हूं मैं, खाए कि नहीं खाए? थे शायद सागर जी, हम ऊपर जा रहे थे, दिखे थे ना। अब पारस तुम पूछ रहे पड़ोसी से, क्या भाई रसगुल्ले खाए क्या? नहीं हम तो बालू साई खाए। यार रसगुल्ले खाओ बहुत बढ़िया है यार, अरे तुमको अच्छे लग रहे तुम दो और खा लो ना। उसको बालू सही अच्छी लग रही, उसको बूंदी के लड्डू अच्छे लग रहे, वो खाएगा। अपने में रहना सीखें, अपने में रहना सीख गए, जिस दिन अपने में रह जाओगे उस दिन सिद्धों के साथ रह पाओगे। सिद्धों वाला सुख चाहिए तो पहला स्टेप क्या, अपने काम से काम रखो जिसमें सार है। अपने काम से काम रखो जिसमें, ऐसा करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही, अभी जारी है कि जा रही है। अपने काम से काम रखो। अप्रमित सागर जी ज्यादा जिंदगी में लोड लेना, 25 30 40 साल की उम्र निकल गई, इतनी लगभग बची है, क्यों परेशान हो बताओ? ये कबूतर कैसे लोग हैं, कहीं भी घोंसला बना लेते हैं। तुमसे कोई पूछ रहा कबूतर आके? मछलियां क्यों तैरती हैं, पक्षी क्यों उड़ते हैं, चींटियां क्यों बामी बना लेती हैं? अरे भाई चींटियों ने तो कभी आके नहीं पूछा कि तुमने घर क्यों बनाया। मतलब वो जानवर तुमसे अच्छे हैं कि वो अपने में हैं? अपने में रहेंगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि, आप अपने में रहना सीखें तो जीवन अपना सार्थक होगा। शेष चार उपाय कल देखेंगे। और हैं जा रही है, किसकी जा रही है भैया? विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि जाए ना। अगर विशुद्धि जा रही है कहीं ना कहीं आप प्रयोजन से भटक चुके हो। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।